हम लोग हीट पंप की जो डीस्केलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, ये यूनिट में इंक्रस्टेशन जमा है, तो हमने क्या किया, जैसे ये यूनिट है, ये मतलब मोटर है, डायरेक्ट इसको पहले हमने सप्लाई दे दी, जैसे ये हम लोग की मेन सप्लाई आ रही है यहाँ से, फिर यहाँ से पूरी पीसीबी को जाती है, तो हमने पीसीबी की दोनों चीज़ें आउट कर, ये देखो ये आउट कर रखी है, और ये देखो ये मोटर की डायरेक्ट पाइप है, मतलब मोटर की डायरेक्ट लाइन है, इससे जोड़ रखी है ताकि मोटर हमारी कंटिन्यू चले, क्योंकि हमें इसके अंदर से इंक्रस्टेशन निकालना है तो हमारे मोटर का चलना ज़रूरी है। फिर हमने क्या किया है, जो हमारे सर्कुलेशन इनलेट्स होते हैं जो कि जुड़ते हैं मोटर से टैंक के थ्रू, टैंक से जुड़ते हैं, तो देखिए जैसे ये वाटर आउटलेट है ये वाला, ये पॉइंट देखिए आप, इसको लेकर गए हम, हमने इसको यहाँ से, ये जो दिख रहा है यहाँ से ले आते हुए, ये देखिए हमने ये केमिकल इस बाल्टी में डाल दिया, यहाँ से इधर निकल रहा है, और ये इसका इनटेक है, ये देखिए मोटर का ऐसे आता जा रहा है, ये मोटर का इनटेक, और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे मोटर में घुस रहा है, यहाँ पे जो भी इंक्रस्टेशन जमा है इसके अंदर उसको पूरा क्लीन करके इसके थ्रू यहाँ से आते हुए ये निकल रहा है, क्योंकि इसका कनेक्शन ऊपर था तो हमने प्लम्बिंग लाइन में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की, यहाँ से ऐसे जाते हुए, यहाँ से जाते हुए, ये देखिए यहाँ से जाते हुए ये पानी इसका निकल रहा है, रोटेट हो रहा है, मतलब ये रोटेशन चालू कर दिया, जो भी इंक्रस्टेशन है अंदर की लाइन का जो जमा हुआ है वो इसके थ्रू रोटेट कर रहा है। देखिए ये हमने केमिकल यहाँ डाल दिया, और हमने केमिकल की यूज़ किया है, ये आईएफबी का जो डीस्केल एसेंशियल होता है इसको डाला है हमने, 5 पैकेट इसमें डाला है बकेट में, और इसको हम कर रहे हैं डीस्केलिंग कर रहे हैं इसकी, और इसमें पानी हमने यूज़ किया है, गर्म पानी यूज़ किया है, 50 डिग्री के लगभग का पानी यूज़ किया था हमने इसमें डाला है यहाँ पे, और हम इसको रोटेट कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट मोटर को सप्लाई दे दी है, ये मोटर के 2 वायर हैं फेज़ और न्यूट्रल, इसमें दे दिए डायरेक्ट सप्लाई हमने, और मोटर हमें रन कर रही है, और क्योंकि इनके अंदर इंक्रस्टेशन जमा है तो उसको लाइन को निकाल रही है, साफ कर रही है, पूरा पानी देखा जाए तो ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है पूरा पानी, यहाँ से जा रहा है ऐसे करके, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, ऊपर जाता है, यहाँ से मुड़ के, ये देखिए इसमें पानी छोड़ रहा है, इसमें केमिकल है, वैसे केमिकल को इस पाइप से ले लिया जा रहा है, ऐसे इंटरनली इसमें जा रहा है,